नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर इजीली टिल्ट वाली इमेज कट करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक कवर का यूज़ करेंगे, साथ ही साथ में कैसे इसे प्रिंट किया जाता है, कैसे इसे लगाया जाता है और कैसे आप इसका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, तो देखते रहिए। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं MS टेक्नोलॉजी में और यहाँ पर हैं सर। तो हम सर का पहले एक इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे और सर हमें वन बाय वन सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताएंगे, कैसे चीज़ें प्रोसेस होंगी। तो सर जी आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, आपके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। हेलो गाइज, माय नेम इज़ मयंक। देखो हमारा काम है मोबाइल स्किन कटिंग सॉफ्टवेयर सेलिंग का। तो आज जो विजय सर ने बताया आपको कि जो ये टिल्ट इमेज की प्रोसेस है कि एक दो फोटो सिंगल इमेज में कैसे दिखता है, लेफ्ट साइड अलग फोटोज दिखते हैं, राइट साइड अलग फोटो दिखते हैं, तो इसका हम पूरी प्रोसेस कैसे, पूरा लाइव डेमो वो आज हम पूरा आपके सामने यही इमेज सेम इमेज आपको करके दिखाएंगे कि कैसे प्रोसेस है। दूसरी बात यह कि ये जो टिल्ट इमेज का फंक्शन है मोबाइल स्क्रीन सॉफ्टवेयर में वो पूरे इंडिया में किसी के सॉफ्टवेयर में आज की डेट में नहीं है, नेक्स्ट आएगा वो पता नहीं है, पर आज की डेट में कोई भी सॉफ्टवेयर में ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ये Y20 का मॉडल है वीवो का, तो एक कैसे दूसरा कवर है मेरे पास ब्लैक कलर का, इसमें हम आज आपको उसका टिल्ट इमेज की पूरी प्रोसेस कैसे प्रिंट होता है, कैसे कटिंग होता है लेजर से, वो पूरी प्रोसेस आइए चलिए हम देखते हैं लाइव डेमो। तो दोस्तों वन बाय वन सारी प्रोसेस अभी सर हमें दिखाने वाले हैं, तो कीप स्टे विद दिस वीडियो और यहाँ पर आपको कंप्लीट चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी क्वेश्चन होता है ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से होता है। तो देखिए हमारे सॉफ्टवेयर में पहले जो मॉडल है उसका सेटिंग करते थे, Y20 का मॉडल लोड कर देते, कौन से फोटोज हमको प्रिंट करना है वो लोड कर देते हैं, उसके बाद हम प्रिंटिंग करेंगे, उसके बाद लेमिनेशन, उसके बाद लेजर कटिंग के बाद कवर के ऊपर डायरेक्टली फाइनलाइज प्रोडक्ट आपको दिखा देंगे। तो आइए हम सबसे पहले जो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस सॉफ्टवेयर के अंदर जो पैरामीटर सेट करना है वो सेट कर देते हैं। देखो ये Y20 का मॉडल है, तो यहाँ से 8 टेम्पलेट करने के बाद यहाँ पर Y20 लिखोगे, 20 सर्च में जाओगे तो जितने भी Y20 के मॉडल्स है Y20 के, इस सारे मॉडल यहाँ पे आ जाएंगे। स्मोक केस है, कैमरा है, स्मोक केस है, स्किन्स है, स्किन है, Y20 है, बैक साइड है, बैक साइड के अलग अलग आपको सिर्फ बैक साइड चाहिए तो भी मिलेगा। अभी हम स्मोक केस के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये हमारा स्मोक केस ये रहा Y20 स्मोक केस GBB, उसको हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखो हमको पहले सबसे पहले M2 लेजर पे कटिंग करना है, तो यहाँ पे सेटिंग में हमको M2 लेजर से कटिंग करना है। अगर आपके पास RD लेजर है तो हम RD लेजर सिलेक्ट करके आपको सेव कर देना। अभी हम M2 करेंगे तो इसके लिए M2 सिलेक्ट करके सेव कर देना। M2 सिलेक्ट करने के बाद M2 का यहाँ पे ओरिजिन आ जाएगा, तो ओरिजिन यहाँ पर है। अभी हमको कोई भी दो फोटो सेम साइज के सिलेक्ट करने हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ से JPG इमेज ही सिलेक्ट होगी, तो फर्स्ट इमेज है JPG, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं ओपन, इसको हम यहाँ पे ओरिजिन के पास रख देते हैं। ठीक है, दूसरी इमेज है डेस्कटॉप पे पड़ी है, सेकंड इमेज ले लेते हैं ओपन, उसको सेम इमेज है, अगर प्लस माइनस छोटी बड़ी है तो यहाँ से हम ये प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे प्लस माइनस कर सकते हैं साइज अगर चेंज है तो। एक बात जरूर याद रखनी है कि दोनों इमेज की साइज सेम ही रखना है, वरना आपको सॉफ्टवेयर एरर दे सकता है। दूसरी बात ये कि एक ही इमेज के ऊपर दूसरी इमेज रख देना है ताकि आपका लेंटिकुलर इफेक्ट परफेक्ट मिल जाए। सेकंड थिंग, आपको ये मॉडल परफेक्टली सेंटर में आपको जहाँ पर सेट करना है यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। ठीक है, सेट हो गया आपका मॉडल। अब मैं फाइनल आपका ये सब सेटिंग हो गया, अभी लेंटिकुलर प्रिंटिंग देने का कमांड आ गया। यहाँ पे टिल्ट इमेज का ऑप्शन है, अब सिलेक्ट जैसे करोगे तो यहाँ पे 0.1, 0.2, माइनस पॉइंट, माइनस पॉइंट थ्री, माइनस पॉइंट फाइव, तो हमारे पास ये लेंटिकुलर जो सीट है ये 0.2 का रहता है जो हम प्रोवाइड करते हैं। एक गमिंग सीट है कि आपकी जो प्रिंटेबल मीडिया
और रेल इंटीग्रेटर सीट को दोनों को चिपकने के लिए हेल्प रहता है। तो हमारी ये पॉइंट टू की सेगमेंट किया है, तो पॉइंट टू के करके प्रिंट टिल्ट इमेज प्रेस कर देने का। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज दे दिया है कि ये प्रिंट प्रोसेस होने में 2 to 5 मिनट लगेगा, तो प्लीज़ वेट। एंड सेकंड थिंग, ये टिल्ट प्रिंटिंग कर रहे हो आप तो आपको विंडोज 10 कंपलसरी है और 4GB रैम कंपलसरी है। तो आइए अगर प्रिंट स्टार्ट होता है तो मैं प्रिंटिंग दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सारी प्रोसेस देखी किस तरीके से आपको इमेज सेलेक्ट करना है, इमेज सेलेक्ट करने के बाद कैसे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिख रहा है कि आपके पास विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि 64 बिट का, और साथ ही साथ में दोस्तों आपको जो रैम है आपके कंप्यूटर का रैम है वो मिनिमम 4GB का होना चाहिए ताकि ये प्रोसेस इजीली हो पाए। तो दोस्तों अभी हम प्रिंट की प्रोसेस करने जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये प्रिंट करता है मशीन। देखिए दोस्तों अभी प्रिंटिंग का किस प्रिंटर में आपको प्रिंटर का कमांड देना है वो फंक्शन आ चुका है। अगर आपके पास लेजर है, इंक टैंक है, इंक वाला कोई भी प्रिंटर है, तो हमसे कलर प्रिंटर होने से मतलब है, कलर प्रिंटर होगा तो आपका कलर प्रिंटर सिलेक्ट कर देना है। इसमें आपका ग्लोसी प्रिंटिंग सीट लगेगी जो स्टूडियो में जनरली हम फोटो हमारा तो पासपोर्ट फोटो प्रिंट होता है वही सीट इसमें यूज होगी। तो आपको फिनिशिंग बहुत अच्छी मिल जावे, ठीक है। तो ये पेपर के लिए हमको क्या सेटिंग करना है आइए हम देखते हैं। ये प्रिंटर प्रेफरेंस में जाके हमको यहाँ पे प्रीमियम ग्लोसी सीट सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टैंडर्ड या आप हाई क्वालिटी रख सकते हो। ओके करने के बाद यहाँ पे आप प्रिंट का कमांड दे दोगे तो प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंटर ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों ये ग्लोसी पेपर है ताकि बहुत ही हाई क्वालिटी प्रिंटिंग हो, ताकि वो चीज़ें जब यहाँ पर टिल्ट इमेज पे कन्वर्ट हो तो बहुत ही सुंदर दिखे वो इमेज, इसके लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रिंटर का जो दरवाज़ा आता है उसे हमने ओपन कर दिया है ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस दिख पाए कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रिंटिंग हो रही है इस पेपर पर। तो दोस्तों जैसे कि हाई क्वालिटी इमेज है तो इट विल टेक 2 to 5 मिनट का प्रोसेस हो सकता है एज़ पर योर कंप्यूटर कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती जा रही है। और दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आपको कोई एडिशनल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर में आपको जस्ट 2 इमेज ऐड करना है और इसे ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली टिल्ट इमेज में यहाँ पर इसे ऐड कर देगा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप इसे यूज़ करिए। और इसी प्रकार से प्रिंटिंग करने के बाद अभी आगे की प्रोसेस भी हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आप इसे कट कर सकते हैं और कट करने के बाद किस तरीके से आप अप्लाई करके आपके मोबाइल के कवर पर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी प्रिंटिंग यहाँ पर चालू है और अभी 1 by 1 सारी चीज़ें हो रही हैं। और दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रिंटिंग आपको किस प्रकार की लग रही है, कैसी आपको दिख रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बनाने की। तो दोस्तों इसे कहा जाता है टिल्ट प्रिंटिंग। तो यहाँ पर हम अभी इमेज का टिल्ट प्रिंटिंग कर रहे हैं MS टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर से। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इसी प्रकार का बिज़नेस स्टार्ट करें तो MS टेक्नोलॉजी आपके लिए ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन देता है और 1 by 1 पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं ताकि दोस्तों आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंटिंग वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होने आया है और अभी हम लोग आपको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर भी दिखाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रिंटिंग हुआ है और उसकी क्वालिटी कैसी है। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और आफ्टर दैट हम लोग इसका कटिंग भी करेंगे ताकि आपको एक आइडिया आए। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रिंटिंग हो चुका है और मैं आपको थोड़ा सा इसे हाथ में लेके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे टिल्ट प्रिंटिंग कहा जाता है जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी प्रिंटिंग इस ग्लोसी पेपर पे हुआ है। और अभी हम इसे कटिंग करेंगे और कटिंग करके भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आगे की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अभी दोस्तों सेकंड जो प्रोसेस है, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने प्रिंटिंग किया, अब प्रिंटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लेमिनेट करेंगे ताकि दोस्तों कभी भी पानी वगैरह लगे तो ये इमेज ना बिगड़े, इसके लिए इसे लेमिनेट करना पड़ता है। और लेमिनेट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इसका कटिंग होगा। तो किस प्रकार से लेमिनेट करते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं ताकि दोस्तों आपको कंप्लीट आइडिया है। लेंटिकुलर सीट बोलते हैं जिसकी, कौन सी सीट बोलते हैं सर? ये लेंटिकुलर सीट है
जिसकी वजह से आपको ये इमेज के ऊपर रखने से लेफ्ट साइड वन इमेज दिखती है, सेकंड साइड दूसरी इमेज दिखती है। तो हम ये लेंटिकुलर सीट और गम सीट साथ में ही देते हैं। गम सीट ऐसा है कि आपको ट्रांसपेरेंट गम है, ताकि प्रिंटिंग एरिया और लेंटिकुलर सीट के आपको कोई दिक्कत ना आए देखने में चिपकने। अभी हम सबसे पहले ये लेंटिकुलर सीट को पीछे गम लगाएंगे। गम किस साइड पे लगाना है, यहाँ पे नॉइज कर रहा है, मीन्स ये वर्टिकल लाइन्स है पूरी। यहाँ पे पीछे के साइड पे कोई लाइन्स नहीं रहती है, यहाँ पे जो ग्लोसी पार्ट है वहाँ पे सबसे पहले आपको गम लगाना है। तो गम कैसे लगाना है, थोड़ा सा ऊपर से कोई एक अच्छा निकाल दो। निकालने के बाद यहाँ पे माइनर आप थोड़ा सरफेस चिपका दो। चिपका देने के बाद ये परत पकड़ के यहाँ पे लेमिनेशन में डाल दो। सो दोस्तों यहाँ पर आपको इसी प्रकार से लेमिनेशन मशीन में आपको इसको लगा देना है, और जैसे आप इसे लगाएंगे तो लेमिनेशन मशीन का काम ये रहता है कि इसको अच्छी तरह से वहाँ पर चिपकाए। और दोस्तों लेमिनेशन मशीन से फ़ायदा ये हो जाता है कि ये एयर नहीं आने देता, जो भी आप चीज़ें इस पर चिपकाते हैं उसमें एयर नहीं आता, तो दोस्तों ये वो क्वालिटी बना देता है। दूसरी चीज़ आपको ये लेमिनेशन आपको कोल्ड में करना है, हीटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो अभी एक गम एक लेंटिकुलर सीट पे चिपक गया है, तो यहाँ से दूसरा वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बाहर निकाल देना आपसे इस तरह से, और ये लेंटिकुलर सीट इसके ऊपर रख के आपको इस थोड़ा लेफ्ट राइट मूव करके हमको लेफ्ट साइड रहना है, ताकि एक इमेज हमको दिखने के बाद लेफ्ट राइट मूव करना है ताकि आपको एक इमेज दिख जाएगी। फाइनल हमने ये सेटअप कर दिया थोड़ा सा राइट लेफ्ट मूव करके, तो अभी ये आपको दोनों साइड पे लेफ्ट साइड पे अलग इमेज दिखती है, राइट साइड पे अलग इमेज दिखती है। अभी हमको इसको लेमिनेशन से चिपका देंगे लेंटिकुलर सीट पे। तो हमने इसको हिलाए बिना यहाँ से ये आपको, हमने जो ये सीट निकाली थी अभी हमको यहाँ से हमने गम को मोड़ के थोड़ा रख दिया था, थोड़ा सा सीट निकाल के ऐसे इस तरह से ऊपर का पोर्शन सिर्फ चिपका देना आपको, ये ऊपर का पोर्शन चिपक गया ताकि आपकी सीट हिले नहीं। अभी हम इसको लेमिनेशन कर देंगे, ये जो सीट है उसको बाहर निकालना है ताकि गम बरोबर चिपक जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर प्रिंट होने के बाद हमने यहाँ लेमिनेट किया है चीज़ों को, जो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर नज़र आ रही है। और दोस्तों अभी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे किस प्रकार से लेमिनेशन करना है, लेमिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अभी दोस्तों हम यहाँ पर जा रहे हैं कवर के साथ में लगाने। तो दोस्तों कवर के साथ में लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये है वो इमेज जिसे हमने टिल्ट में यहाँ पर प्रिंट किया था। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, जैसे कि लेफ़्ट साइड से जब मैं करता हूँ तो आपको अलग दिखता होगा, और राइट साइड से करता हूँ तो कुछ अलग दिखता होगा, राइट। अब दोस्तों ये इमेज को मैं कटिंग करके इस पर लगाने जा रहा हूँ, तो ये प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस मोबाइल के जो कवर है उस मॉडल के हिसाब से इसको कट करेंगे, और कट करने के बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते रहिएगा, आपको अब थर्ड प्रोसेस दिखाने जा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर कटिंग होता है। ये M2 लेजर है, लेजर में हमको ये यहाँ पे रख देना है। जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो सेटिंग था, जो आपने वो सेंटर में आना है, आपका जो सर किधर आना चाहिए वो पूरा सेटिंग, उसको मूव कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से आपको अभी कटिंग का कमांड आएगा लेजर कट। लेजर कट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो एक कमांड पैनल खुल जाएगा। कमांड पैनल खुलते ही आपको जो M2 का ओरिजिन है यहाँ पर, वहाँ पे आपको सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पे सेट ओरिजिन प्रेस कर देना है। जैसे सेट ओरिजिन करते हो आप एक बार चेक फ्रेम कर दीजिए, तब आपको आपको पता चले कि आपका मॉडल कहाँ पे कट होने वाला है। सेट करने के लिए सबसे पहले चेक फ्रेम करनी है, तो चेक फ्रेम करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो फ्रेम मूव हो रहा है वो एग्जैक्टली नियर अबाउट सेंटर हो रहा है,
सेंटर हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सेट ओरिजिन प्रेस करना है ताकि आपका ओरिजिन सेट सक्सेसफुली हो जाए। उसके बाद डायरेक्टली आपको कट का कमांड यहाँ से देना है। दोस्तों इस मशीन की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बिल्कुल जो माप के हिसाब से ही कट करता है, और आप देख पाएंगे जैसे कैमरा का पार्ट बहुत ही अच्छे बेहतरीन वे में इसने कट किया। और अभी दोस्तों ये जो कंप्लीट जो बैक कवर का जो पार्ट आता है उस हिसाब से इसको कटिंग करता जा रहा है मशीन, और आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे कट कर रहा है। और कट करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊँगा कि टिल्ट इमेज किस प्रकार से दिखती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कटिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं किस प्रकार से हुआ है ताकि आपको कंप्लीट आइडिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कटिंग वाली जो प्रोसेस थी उसे कंप्लीट कर लिया है, और अभी हम जरा इसे एक बार कंपेयर कर लेते हैं ताकि दोस्तों आपको कंप्लीट आइडिया है। तो आप देख सकते हैं जो कटिंग है वो एग्जैक्टली परफेक्ट ही कटिंग हुआ है इसमें। सर देखो यहाँ पे कटिंग टू कटिंग परफेक्टली जो आपने सेट किया था उसी हिसाब से के अदर कट गया था उसके हिसाब से कटिंग है। अभी हम इसको कवर पे कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस मशीन ने क्या बेस्ट पार्ट किया है आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कट हो चुका है, और अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से ये चीज़ें नज़र आएंगी। जनरली लोग इसके नीचे डबल गम वाली सीट या फिर फेविकिव कुछ भी लगा के ये कंप्लीट रेडी कर देते हैं। तो मैं फाइनल करके आपको फाइनल कवर का कंपैरिजन करवा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सैंपल के तौर पे ये ग्रीन वाला कवर लिया था जहाँ पर हमने इसे कटिंग करके ये सारी इमेज को लगाई थी, और यहाँ पर दोस्तों ब्लैक वाला हमने कम्प्लीटली डेमोस्ट्रेशन के तौर पे आपको दिखाया किस प्रकार से आपको मशीन यूज़ करना है, कौन कौन सी मशीन इसमें लगेगी, सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। और दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी में यहाँ पर कट करके हमने ये चीज़ों को लगा दिया है। आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये मशीन को लेने के बाद और साथ ही साथ में सॉफ्टवेयर को बाय करने के बाद अभी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करिए ताकि हमारी टीम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे। तो दोस्तों ये था वीडियो जहाँ पर हमने सारी चीज़ें बताई। लाइए सर से भी थोड़ा बात कर लेते हैं, उनके भी विचार और उनके कुछ सुझाव भी हम लेते हैं। अच्छा सर, ये अगर कोई मशीन चला रहा है तो उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? अगर मशीन चला रहा है तो सबसे पहले आपकी लेंटिकुलर जो सीट है, अगर हमसे नहीं लेते या कहीं से भी लेते तो उसका जो लेंटिकुलर एंगल है वो 0.2 है 0.1 है, वो सबसे पहले वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो लेजर है उसमें परफेक्टली सेटअप होने के बाद आपका जो फोटोज है वो सेंटर में आना चाहिए, वही चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, तो एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपका सॉफ्टवेयर क्यों बाय करूं, वो तीन रीज़न आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखो सबसे पहले हमारे अंदर 25,000 आज की डेट में 25,000 टेम्पलेट्स है लैपटॉप के, 850 मॉडल टोटल अवेलेबल है इसके अंदर, और सारे मोबाइल्स ड्रोन्स कैमरा DSLR कैमरा भी विद इन 2 मंथ में 550 मॉडल अपडेट होने जा रहे हैं, तो इतने सारे मॉडल अवेलेबल है हमारे सॉफ्टवेयर में। दूसरी बात, हमारा कोई लेज़र RD कंट्रोल अगर आपके पास से हमारे से नहीं लिया, M2 कंट्रोल कहीं से भी लिया है तो हमारा सॉफ्टवेयर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा आपसे, सिर्फ सॉफ्टवेयर लोगे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, सीधा कटिंग चालू। कोई एक्स्ट्रा आपको ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर लो तो मशीन भी हमारे से ही लेना पड़ेगा, ऐसा कोई हमारी कोई रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा है नहीं। और एक ही है कि लैपटॉप का अलग चार्ज रहेगा, ऐसा कोई फिक्स ही है, एक ही सॉफ्टवेयर का एक ही दाम फिक्स ही है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। दूसरी बात, इसमें टिल्ट प्रिंट भी होता है जो इंडिया में किसी के पास नहीं है। सेकंड थिंग, हमारे 80% प्लोटर जो मार्केट में अवेलेबल है ऐसा है, रेड सेल है जो चाइनीज़ प्लोटर रेड सेल जो किसी के सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्शन नहीं बनाता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्शन बनाता है, मीन्स 80% जो प्लोटर है मार्केट में वो सारे कनेक्शन मिल जाएंगे हमारे सॉफ्टवेयर के साथ, ताकि आपको प्लोटर का खर्चा ना करना पड़े, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर लेने से डायरेक्टली कटिंग चालू हो जाएगा। तो मेन पॉइंट 3 है, एक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल मिलेंगे, सारे प्लोटर कनेक्शन हो जाएंगे, लेज़र अगर आपके पास है तो लेज़र हो जाएगा, टिल्ट इमेज मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, जो अभी हमने यहाँ पर ये प्रिंट करके निकाला। हाँ,
तो ये सारे फ्यूचर्स है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको इतने सारे फीचर अवेलेबल। तो दोस्तों जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूनिक हो जाता है, जहाँ पर आप सारी चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, और जैसे सर ने बताया कि सारे ही मॉडल्स, आप ड्रोन ले लीजिए, कैमरा ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, ये सारी ही चीज़ों का आपको यहाँ पर मॉडल्स मिल जाते हैं और आप यहाँ पर इजीली कट कर सकते हैं, उसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और सर अगर जैसे बात करें लमसम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए? 14-16,000 का सॉफ्टवेयर है, और अगर आपके पास M2 कंट्रोल वाला लेज़र नहीं है तो लेज़र के प्राइस है 50,000 प्लस GST। जैसे मार्केट फ्लक्चुएशन प्लस माइनस होता रहता है। और दूसरा तो आपके पास अगर लेमिनेशन मशीन है तो 3,000 का लेमिनेशन मशीन रहता है। L130 जो एप्सन प्रिंटर है वो 10,000-11,000 के करीबन आपको। अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 60-70,000 में स्टार्ट कर सकते हैं, लेंटिकुलर सीट का आपको हो जाएगा। अगर आपके पास प्लोटर है तो प्लोटर का 20,000 से लेके 40,000 तक के प्लोटर अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, अलग अलग साइज़ के हिसाब से मिल जाते हैं। उसमें आप स्किन से, लैपटॉप स्किन से, लेमिनेशन सीट है, वो सब आप कटिंग करके मोबाइल के ऊपर लगा सकते हो। ऐसे सर जैसे हमने यहाँ पर देखा कि आपने बहुत ही बेहतरीन वे में इसे कट किया, इमेजेस अप्लाई की, मार्केट में हम इसे कितने रुपए में सेल कर सकते? लेंटिकुलर सीट आपको पता होगा कि आपके मार्केट में जनरली वो स्टिकर लगा के देते हैं सिंगल, लेंटिकुलर सीट वाला कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में है ही नहीं किसी के पास। आपको एरिया में आपको देख रहे होंगे, आपको पता ही होगा कि इस कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आया है। नया कॉन्सेप्ट के वजह से लोग 350-400 तक ये सेल करते हैं, जैसी कस्टमर की डिमांड, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम कॉस्टिंग क्या आएगा इस मिनिमम कॉस्टिंग आपका? समझ लो कि ये 60 रुपीज़ की लेंटिकुलर सीट है, 3 रुपये की प्रिंटिंग कॉस्ट है, और कटिंग चार्ज आपको इलेक्ट्रिक कॉस्ट वो सब गिन के आप मोटा मोटा पकड़ के 5 रुपये पकड़ के चलो, तो आपको करीबन 60-70 रुपये में घर में पड़ेगा। तो आराम से आप 150-200 में बेचो तो भी मुनाफा उसमें है। और ऐसे मार्केट रेट इसका 500-600 तक भी लोग लेते हैं, और अगर आप ऑनलाइन जो बेचते हो, ऑनलाइन आप सर्च कर लो, लेंटिकुलर सीट का कवर भी कोई अभी तक बेचना चालू नहीं, अमेजोन पे कोई बेचना चालू भी नहीं किया। अगर आप फर्स्ट आप आओगे तो आपका अमेजोन पे लिस्टिंग सबसे पहले होगा, तो आपका सेलिंग रेट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी इस प्रकार का मार्केट में ट्रेंडिंग आ रहा है, तो आप अगर पहले अगर इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे तो यू विल अर्न वेरी गुड प्रॉफिट। तो दोस्तों ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।